सिद्धार्थ जी, जैसा कि जय भारत सत्याग्रह कार्यक्रम को लेकर जो है सो आज प्रेस वार्ता का कार्यक्रम रखा गया है सिंघिया प्रखंड में, और यहाँ पर तमाम जो पार्टी के लोग हैं वो इस वक्त मौजूद हैं, और इस पर आज के इस प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य क्या कुछ है? देखिए, मुख्य उद्देश्य ये इस तस्वीर से स्पष्ट हो रहा है। ये वजह यही है, मुख्य कारण जो है यह तस्वीर है। यही तस्वीर जो है आज देश में भूचाल लाए हुए है। लोकतंत्र जो है पूरी तरह से कुचला जा रहा है। अघोषित रूप से जो है इमरजेंसी है। इंदिरा जी के इमरजेंसी के लोग बात करते हैं। उस समय समय पे रेल चलने लगे, समय पे लोग ऑफिस आने लगे, महंगाई बेरोजगारी सब कंट्रोल था। उस समय के इमरजेंसी और इस समय की इमरजेंसी में काफ़ी अंतर है। इस समय हिंदू मुस्लिम में लोगों को उलझा के और पूरी तरह से अंग्रेज के जो नीति था, फूट डालो राज करो, और अंग्रेज जिस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी बना के हमारे भारतवर्ष में आए, और वह भी गुजरात के ही रास्ते से ईस्ट इंडिया कंपनी आया था। इसी तरह अडानी इंडिया कंपनी जो है देश में बनाया गया है। पीएम केयर, जिस तरह से पीएम शब्द ही सरकारी है, और पीएम के नाम पे फंड बना के उसको सूचना के अधिकार से भी हम नहीं पूछ सकते हैं। इसी तरह अडानी पे जब भी सवाल होता है, हमारे पार्टी के प्रदेश राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेरा जी जैसे ही अडानी मोदी एक हैं जैसे शब्द बोले, प्लेन में हवाई जहाज में वो अधिवेशन में कांग्रेस के जा रहे थे, उस अधिवेशन से मैंने जाने से रोका गया और प्लेन को रोक के उनको खींच के उतारा गया। लगता है लोकतंत्र नहीं, ये हिटलरशाही और राजतंत्र है, और पवन खेरा जी को नीचे उतार के जबरन जेल में डालने के काम किया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उस समय राहत दे। तो हम लोग कह रहे हैं लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आज़ादी प्रमुखता से है, और लोकतंत्र में विपक्ष की जिस तरह सरकार की भूमिका है उसी तरह विपक्ष की भूमिका है। विपक्ष अपना कर्तव्य जनता के हित के लिए साधती है। विपक्ष जो है जनता के हित के सवाल को संसद में उठा के और उसके हित के लिए लड़ाई लड़ते हैं। आज अडानी जी के साथ मोदी जी के क्या संबंध है, यह देश जानना चाहते हैं। हम लोग कांग्रेस के लोग अंग्रेज से भी लड़े और ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़े थे, आज अडानी इंडिया कंपनी से भी लड़ेंगे और इनको भी भगाने के काम हम लोग करेंगे। देश के सारी संपत्ति इनको किस आधार पर दिया जा रहा है? जहाँ जहाँ हम लोगों के इंडियन एयरलाइंस रहता था, वहाँ अब जो है अडानी एयरपोर्ट हो रहे हैं, अडानी के नाम से जो है पोर्ट बनाए जा रहे हैं। तो जिस तरह से देश के संपत्ति एक तरफा हमारे बैंक से निकाल के LIC और SBI में जनता के गाड़ी कमाई के पैसा है, उस पैसा को निकाल के मोदी जी अडानी जी को दिए जा रहे हैं, और अडानी जी के साथ 20,000 करोड़ के गमन के जब राहुल जी पार्लियामेंट में उठा रहे थे बात को, तो ये लोग घबराहट में राहुल जी को बोलने से पहले माइक को बंद किए, इसके बाद संसद को म्यूट कर दिया, संसद के एक शब्द भी साइलेंट पूरी तरह से सरकार कर दे, और एक सोची समझी रणनीति के तहत जब राहुल गांधी जब विदेशों में अडानी के साथ जो उनका तस्वीर दिखाए, जैसे कि विदेश में हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं तो यहाँ के अधिकारी पहले जाता था, पहले विदेश मंत्री जाते थे, भारत के हित की बात होती थी, तब PM जाते थे, लेकिन अब PM अडानी को ले जाके वहाँ ठेका दिलाने के लिए जनता के टैक्स के पैसा जो है बर्बाद कर रही है, और पूरी तरह से जिस तरह से बैंक लड़खड़ा गया है, जिस तरह LIC चरमराने के नौबत आ गया है, जिस तरह से जनता के गाड़ी कमाई जो बैंक में है वह अब ये परिस्थिति उत्पन्न हो गया है जब किसी भी दिन बैंक से वो पैसा निकालना मुश्किल हो जाएगा। रिजर्व बैंक से कई बार पैसा निकाला जा चुका है, इसीलिए राहुल जी को जो संसद के सदस्यता खत्म करने के पीछे हड़बड़ाहट यही बात था। अडानी से जुड़े हुए 20,000 करोड़ के खुलासा जैसे ही राहुल गांधी करने वाले थे, इसी को रोकने के लिए इस लोकतंत्र की हत्या किया गया है, और इस लोकतंत्र में पहली दफे अब जो है
अब मानना के मामले में ये जो है कोई इनपे भ्रष्टाचार के राहुल जी पर आरोप नहीं है, न ही कोई आपराधिक का आरोप था। ये सिर्फ मोदी नाम के शब्द, और ये सभी मोदी नहीं बोले हैं, ये बोले ऐसे मोदी क्यों चोर हैं और खोजेंगे तो कुछ मोदी और मिल जाएंगे। तो मैंने इस तरह के बात में कहा गया, पिछड़ा से जोड़ दिया गया। अरे पिछड़ा का हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री जो है माली समाज के हैं अशोक गहलोत जी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हमारे जो है ये बघेल साहब वो कुशवाहा समाज से हैं, और इसीलिए ये सब न सिखावे। और जिस तरह से जाति धर्म के राजनीति करके बीजेपी देश को लूटना चाह रही है कांग्रेस के लोग, ये नहीं होने देंगे। जनता के हित को उनको साधना होगा, बीजेपी को जनता के हित के सवाल को जवाब देना होगा, और इससे जब भी ये भागेंगे हम कांग्रेस के लोग इनको रोकेंगे, देश को जगाएंगे। आज रोड पर उतर के हम लोग अपना फर्ज अदा कर रहे हैं।